अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फिल्मोरा 9 को कैसे यूज़ करना है और आपने इसमें अपनी वीडियोस एडिट कैसे करनी है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना फिल्मोरा 9 को मैंने ऑन किया, ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये लोगो है फिल्मोरा 9 का, ठीक है। ये मेरे पास फिल्मोरा 9 की लोगो है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है फाइल का, ठीक है। फाइल से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे भी आ सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है वाइड स्क्रीन, ये मेरे पास एक स्क्रीन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद में आपने अगर इंस्टाग्राम के लिए कुछ करना है, इंस्टाग्राम के लिए, तो इंस्टाग्राम के लिए भी आपने 1.1 यूज़ करना है, और उसके बाद में पोर्ट्रेट के लिए 9.16 यूज़ करना है। एनीवे मैं ये 16.9 वाला वाइड स्क्रीन यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपने ओपन प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर आपके अगर पेंडिंग में प्रोजेक्ट्स है तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से मेरे पास आता है इम्पोर्ट मीडिया, मैं मीडिया फाइल्स यहाँ से इम्पोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कोई वीडियोस बनाता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटोज़ और मीडिया वगैरह, मीडिया फाइल यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मेरे पास एक ऑप्शन आता है डाउनलोड मीडिया, मैं यहाँ से कोई भी चीज़ फेसबुक से, इंस्टाग्राम से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। उसके बाद में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड मीडिया, जो अभी तक मेरे पास ऑन है, ठीक है। तो ये मेरे पास है रिकॉर्ड मीडिया, रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, वेबकैम से भी मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन जो अभी मेरे पास ओपन है, तो मैं अपना पीसी स्क्रीन में जो भी काम करना चाहता हूँ वो सब रिकॉर्डेड होता जा रहा है, ठीक है। और रिकॉर्ड वॉइस ओवर भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद में जो फाइल में मेरे पास ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट सेटिंग, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास है एस्पेक्ट रेशो, ये सबसे बेस्ट है मेरे पास 16.9, ठीक है। अगर आपके पास रैम अच्छा है, फिट है, तो आप 21.9 सिनेमा वाला स्क्रीन इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाइड स्क्रीन 16.9 ये बेस्ट है माशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये रिजोल्यूशन है मेरे पास 1920x1080, ये मेरे पास फुल HD का रिजोल्यूशन है। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हो तो आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हो 4K UHD में, ये बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए रैम और प्रोसेसर का बड़ा होना ज़रूरी है। एनीवे मेरे पास ये बेस्ट है 1920x1080, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैनुअली भी चेंजेस कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिएगा, ठीक है। और ये मेरे पास लॉक हो जाएगा, तो ये मैंने अपने पास लॉक किया हुआ है 16.9, और मैं इसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही मेरे पास आता है फ्रेम रेट को मैं यहाँ से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। सर मैं फ्रेम रेट को 60 FPS पे रखता हूँ, ये बहुत ही बेस्ट है इससे, ठीक है। तो मैं अक्सर इसी को यूज़ करता हूँ। एनीवे आप अपने फ्रेम के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ये फ्रेम रेट इसकी में बहुत फिट है। उसके बाद में मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास फाइल में जाके एक ऑप्शन आता है प्रिंट्स, कंट्रोल शिफ्ट से ओपन भी होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें से मैं यहाँ से कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सब लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं, इंग्लिश बेस्ट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज US का ये फीचर है, ठीक है। इसके बाद में एक बार अपडेट्स ऑटोमेटिकली, तो अगर मैं इसको ऑन करूँ एवरीडे तो एवरीडे मेरा नेट के थ्रू ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगी। एनीवे मैंने इसको नेवर रखा है बेस्ट है। अगर आप लोगों से कोई भी सेटिंग में गलती हो जाए तो यहाँ पर ये रीसेट का ऑप्शन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा जितना भी आपने किया है वो सब रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो बाद में मैं आपको बता दूं कि इसको अगर हम ओके करेंगे तो मेरा पूरा ये जो डेटा है ये सब सेव हो जाएगा। उसके बाद में मेरे पास एक ऑप्शन आता है फोल्डर्स का, फोल्डर्स में मैं क्या करता हूँ कि फोल्डर्स में जितने भी मेरे पास टेम्पररी फाइल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, मैं यहाँ आ सकता हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद में रिकॉर्डेड फाइल्स जो
रिकॉर्डिंग हो रहा है शुरू हुए मेरे अभी, वो यहाँ पर सेव हो जाएगी और रिकॉर्डेड ऑडियो भी यहाँ पे, ये सब कुछ मतलब आपको मालूम है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे एडिटिंग का एक ऑप्शन है मेरे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई फ़ोटो ड्यूरेशन ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो को ज़्यादा टाइम, एक मिनट, दो मिनट, पाँच सेकंड, बीस सेकंड अपने वीडियो में लगा सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, ये भी मैं अभी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि ट्रांजेक्शन हमने कैसे लगानी है, बाकी ये सब। अच्छा, तो इसमें एक बेस्ट ये है कि क्रॉप एंड फिट, क्रॉप एंड फिट में ये है कि अगर मैं कोई फ़ोटो एड करूँ तो वो मेरे पास ऑटोमेटिक ही क्रॉप एंड फिट हो जाए मेरे मीडिया के हिसाब से, तो ये बेस्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। एनीवे आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, पर मैंने क्रॉप एंड फिट को सेलेक्ट किया है, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद ही मेरे पास ये सेव का ऑप्शन है, तो बैकअप माई प्रोजेक्ट, अगर मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू करूँ, वीडियो वीडियो को डालो, ऑडियो को डालो, फोटोज़ वगैरह एडिटिंग शुरू करूँ तो हर 5 मिनट के बाद में मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा बैकअप में। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। और फॉर एग्जांपल अगर लोड शेडिंग है वगैरह वगैरह, लाइट या कोई लैपटॉप में एरर आया, विंडो में करप्ट वगैरह हो गया, तो मेरा ये हर 5 मिनट के बाद में प्रोजेक्ट मेरा सेव होता जा रहा है बैकअप में, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। दूसरा, बैकअप प्रोजेक्ट फाइल, अब मैं बैकअप वाला फाइल को कहाँ पे ढूंढूंगा, तो मैं यहाँ से सीधा सिंपल जाऊंगा तो मेरा बैकअप वाला फाइल यहाँ पे सेव आएगा। ठीक है, तो बाद में डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट लोकेशन, तो ये भी सिंपल है, आपको तो पता है कि मैं जितना भी इस वीडियो सेव करूँ वो मेरे पास यहाँ पर आएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में आएगी, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये वाला फोल्डर दे दूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो मेरा जितना भी है वो सब वहाँ पे सेव हो जाएगा। एनीवे मैं आगे जाता हूँ परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें से मेरे पास 1920x180 ये बेस्ट है, ये मेरे पास बेस्ट है वीडियो का सॉरी मीडिया का रिजोल्यूशन वगैरह। इसके बाद भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली डिलीट प्रॉक्सी व्हेन ए प्रोजेक्ट इज क्लोज, जब भी मैं कोई वीडियो बना दूँ तो उसके बाद में जितना भी हमारे पास इधर फोटोज़ होगा, वीडियोस होगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। और फिर मैं इसको अगर क्लीन करूँ तो मेरे पास जितना भी सेव है डेटा वगैरह वो सब मेरे पास क्लीन हो जाएगी, मैंने क्लीन किया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन ऑप्शन है, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अभी हम जाते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग, तो ऑलरेडी हो गया। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ प्रेफरेंस में, तो प्रेफरेंस भी ऑलरेडी मैंने सब लोगों को आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है एग्जिट का, Alt+F4 से मैं एग्जिट कर सकता हूँ। दूसरा मेरे पास एडिट का ये बंद है, इंशाल्लाह मैं भी वीडियो करूँगा तो उसमें से मैं आपको बताऊँगा। दूसरा इसमें से टूल है, तो टूल तो बहुत सिंपल है, व्यूज और सोल्ड बाय, ग्रुप बाय। एनीवे ये इंपोर्ट से मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से कोई भी वीडियोस या फोटोज़ वगैरह अपने मीडिया टास्क में डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। दूसरा भी इसका सिंपल है मेथड, एनीवे वो मैं आपको बातें बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके बाद में व्यू भी मेरे पास सिंपल ऑप्शन है, फुल स्क्रीन है, प्लेबैक क्वांटिटी, जूम लेवल वगैरह, तो ये आप सब लोगों को मालूम है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आते हैं एक्सपोर्ट, में क्रिएट वीडियो बना भी सकता हूँ यहाँ से और एक्सपोर्ट टू डिवाइस भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं डायरेक्टली यूट्यूब को अपलोड भी कर सकता हूँ। और ये कुछ वीमियो, मतलब ये भी कोई सोशल ऐप है, तो बर्न DVD को भी कर सकता हूँ, ये मेरे पास हेल्प की ऑप्शन है, मैं यहाँ से कोई भी हेल्प अगर मुझे चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं आता हूँ इंटरफेस में, जो मेन इंटरफेस है यहाँ पर मैं आता हूँ। सबसे पहले मेरे पास आता है मीडिया, मीडिया में मेरे पास आता है माई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मेरे पास ज़ीरो शो करते हैं क्योंकि मैंने अभी सब प्रोजेक्ट को रिमूव किया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मेरे पास है आते हैं माई एल्बम्स, एल्बम मेरे पास फिलहाल ज़ीरो है। और फिर ये सैम्पल कलर है, सैम्पल कलर को भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग में वगैरह वगैरह, मैं सिंपल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको उठा के ड्रैग करके मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ।
एनीवे ये था हमारे पास सैम्पल कलर, मैंने आपको दिखा दिया और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। ये बाद में सैम्पल वीडियोस हैं, मेरे पास सैम्पल वीडियोस हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कॉपीराइट फ्री वीडियोज़ हैं, हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4 ये शुरू हो गया, अगर मैं इसको काउंट डाउन में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, के बाद में मेरे पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन है ऑडियो का, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ही इतना ज़्यादा ये ऑडियो साउंड इफेक्ट्स वगैरह ओपन हो गया। ठीक है, माय म्यूज़िक में मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन साउंड इफेक्ट्स मेरे पास ये जितने भी साउंड्स हैं मैं इसको अपने वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड से डाउनलोड करना चाहिए, मैंने डाउनलोड नहीं किया है फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये सब मेरे पास है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद में मेरे पास आता है जी टाइटल्स। टाइटल्स बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है फिल्मोरा 9 में। मैं आपको बता दूं कि टाइटल्स में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो की टाइटल डालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपल इसको ड्रैग करके यहां पर लेके आऊंगा, और अगर मैं यहां से प्ले करना चाहूँ तो ऐसा मेरा टाइटल आएगा। मैं इसको चेंजेस कैसे करूंगा तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर यहां आके डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो गया। मैं यहां से फॉर एग्जांपल अपना नाम लिखता हूं, फॉर एग्जांपल ना, ठीक है, मैं यहां पर अपना नाम लिखता हूं सनाउल्लाह, ठीक है, और यूअर टेक्स्ट हेयर मैं यहां पर लिखता हूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ जी सवाबी स्मार्ट सपोर्ट, मेरा YouTube चैनल का नाम है सवाबी स्मार्ट सपोर्ट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सवाबी स्मार्ट सपोर्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए ये फिल्मोरा हमने कैसे यूज़ करना है, ये बहुत ही लाइट है, ये सॉफ्टवेयर बच्चों का खेल है, बहुत सिंपल है, सवाबी स्मार्ट सपोर्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया सवाबी स्मार्ट सपोर्ट। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो अब मैं इसको ये डिफरेंट स्टाइल्स भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइल दिया, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये देखी, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, या मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैं इसको लगा रहता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला डबल क्लिक करके तो मैं इसको लगा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला बेस्ट है मेरे ख्याल से, तो ये मैंने इसको लगा दिया। एनीवे फिर मैं यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे पास फॉन्ट से डिफरेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एरियल वाला ये भी अच्छा है, बहुत बेस्ट है, ये मुझे अच्छा लगता है एरियल वाला, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। एनीवे मैं इसको ये बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटालिक में भी कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ गई टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद में ये वीडियो की ऑप्शन है, ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए हम ओके करते हैं। एनीवे तो ये मेरे पास आए हैं टाइटल्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइटल्स, अगर मैं ये टाइटल यूज़ करना चाहूँ तो ये यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ इसको ऊपर लेके जाऊं तो मैं ऐसा करके इसको ऊपर लेके जा सकता हूं, और ये भी थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो ये भी मैं आगे लेके जा सकता हूं। ये मेरे पास आ गए हैं टाइटल। ठीक है, ये मेरे शुरू में वीडियो के स्टार्ट में अगर मैं चाहूं तो मैं लगा सकता हूं, मैंने अभी तक लगाया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद लगाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद में ये मेरे पास कुछ लोअर थर्ड्स हैं, मैं अगर वीडियोज़ शुरू हुए और वीडियो के शुरू के बाद में यहाँ पर मैं नीचे अगर अपना नाम ऐड करना चाहूँ, ये आप लोग के साथ कौन बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद में मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ। यूअर टेक्स्ट टाइटल हेयर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सनाउल्लाह। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद में मैं सिर्फ ओके करता हूँ तो ये मेरे पास मेरा नाम आ गया। अब मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ साइज़ में, और मैं इसको कोई भी टाइटल स्टाइल दे सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया स्टाइल। अभी अगर मैं चाहूँ तो ये जो लाइन है मेरे पास, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर लेके गया, लेकिन मैं ऐसे ही सही है जी, मैंने अपना नाम को भी आगे पीछे कर सकता हूँ,
और ये है मेरा फॉन्ट स्टाइल। जी ये स्टाइल मुझे बेस्ट लगा तो मैंने इसको लगा दिया। फॉर एग्जांपल लिया, ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त है ये वाला, तो मैं इसको अपने वीडियो में लगा सकता हूँ। ठीक है, ये है लोअर थर्ड, जो नीचे वीडियो पे कुछ नाम आते हैं ना, तो वो यहाँ से लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है इसमें माशाल्लाह डिफरेंट उसमें है। ठीक है, तो मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, जैसे डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा। जी तो यहाँ पर मैं ये प्रीवियस वाला सिंपल डिलीट किया। ठीक है, और ये वाला मेरे पास रह गया तो मैंने यहाँ पे लेके आया और मैं आपको दिखा दूँगी। ये मेरा यहाँ पर मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ और डिफरेंट कलर भी दे सकता हूँ, स्टाइल वगैरह। एनीवे मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, सबसे क्यूट का जो ऑप्शन है, तो ये भी आप लोगों को पता है कि अगर कोई वीडियो ऑन है और उसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन लगाना चाहते हैं तो वो हम लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं ये फर्स्ट वाला डिलीट करता हूँ तो आप लोग को ईजी रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश लिखते हैं, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से और कोई भी फॉन्ट भी दे सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोगों ने कौन सा वाला इसमें यूज़ करना है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आपने इंग्लिश लिखा है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारा ऑप्शन है इसमें टाइटल्स के मुताबिक, तो आप अपने वीडियो जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ ये एंड क्रेडिट्स, एंड क्रेडिट्स ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ऑप्शन है मोरा 9 में। मैं सिंपल प्लस के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। ये आपने देखा होगा अक्सर जो मूवीज़ होती है तो मूवीज़ के आखिर में ये सब नाम आते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक मूवी बनाता हूँ तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ दिखाने के लिए, तो क्रिएट वन। ठीक है, नेम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर जी के मेरे पास इस मूवी में काम किया सनावल्ला फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। मैं इसको डिफरेंट स्टाइल भी दे सकता हूँ। ठीक है, वैसे ये वाला स्टाइल अच्छा है। एनीवे तो इसमें से मेरे पास ये आ गए। ठीक है, मैं अगर इसको ओके करूँ तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा और इसके बाद में फेवरेट में मेरे पास कुछ नहीं, ज़ीरो है क्योंकि मेरा फेवरेट फिलहाल कुछ नहीं है। एनीवे मैं आगे जाता हूँ। ट्रांजेक्शन में ये है कि मैं अपना कोई भी फ़ोटो एडिट कर सकता हूँ और फोटोज़ वीडियोज़ के अंदर कैसे आनी चाहिए वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सब फ़ोटोज़ आगे जाती हैं और अगर मैं ये वाला लगा दूँ तो इसमें से मेरा फ़ोटो जैसा जाएगा। तो मैं चलिए एक तो फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप में जाता हूँ। डेस्कटॉप के जाने के बाद में मैं यहाँ पर कोई फ़ोटोज़, ये एक फ़ोटो मैंने उठाया और दूसरा मैंने एक ये फ़ोटो उठाया, ये दोनों को मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी। एनीवे मैं ये जो टाइटल है मैं इसको निकाल लेता हूँ और ये दोनों फ़ोटो को यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों फ़ोटो को यहाँ पर लगा दिया, पहले एक लड़की का फ़ोटो और उसके बाद में मेरा फ़ोटो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये दोनों फ़ोटो के सेंटर में मैंने ट्रांजेक्शन यूज़ करना है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बड़ा करता हूँ ये स्क्रीन, तो इतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि पहले एक फ़ोटो ख़त्म हुआ और सडनली मेरा दूसरा फ़ोटो ओपन हुआ। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मैंने ट्रांजेक्शन को यूज़ करना है, ट्रांजेक्शन को मैंने यूज़ करना है तो ये वाला मुझे अच्छा लगता है। मैं इसको उठा के सीधा ड्रैग करके यहाँ पर लेके आता हूँ, मैं दोनों फ़ोटो के बीच में रखता हूँ ट्रांजेक्शन। अभी आप देख सकते हैं मैं जैसा इसको प्ले करूँ तो ये एक फ़ोटो जाएगी, उसके बाद में दूसरा फ़ोटो आने में मेरा ये फ़ोटो आ गया, तो इसे वीडियो जब कंटिन्यू होता है तो इसे अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ट्रांजेक्शन की जो ड्यूरेशन है मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल इसको 1 सेकंड के लिए यूज़ करना है, अप्लाई आल, अगर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन यूज़ किया है। ठीक है, ट्रांजेक्शन अगर मैंने यूज़ किया है तो अप्लाई आल के लिए ये ड्यूरेशन मेरा अप्लाई हो सकता है। एनीवे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास छोटा हो गया थोड़ा सा। अभी अगर मैं
ड्यूरेशन इसका ज़्यादा करना चाहूँ डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 लिखता हूँ, 5 करके मैंने ओके किया तो ये ट्रांजेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मेरे पास बड़ा हो जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ी आराम से, ठीक है, बड़े आराम से, मतलब ये ट्रांजेक्शन मेरा लग गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट में 2 है तो एनीवे मैं 2 पे रखता हूँ, मैं ओके करता हूँ। तो आप लोग के सामने है मेरा ट्रांजेक्शन जो मैंने लगा दिया ये वीडियो, फिर के बाद दूसरा पिक्चर जैसे आएगी तो मेरे पास ट्रांजेक्शन लग जाएगी। ये ट्रांजेक्शन हमने वीडियो में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है ट्रांजेक्शन, तो मेरे पास तकरीबन कुछ 178 के फिल्मोरा में है और कॉपीराइट फ्री वगैरह जो भी है, ठीक है। इसके बाद में बेसिक है, बेसिक में मेरे पास बार्स वगैरह भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर ये मेरे पास शो करता है बाकायदा कि मेरा ये भी आप देख सकते हैं। अगर हमें इसको यूज़ करने तो हमारा दूसरा फ़ोटो ऐसा आएगा। एनीवे मैं ये जो ट्रांजेक्शन है मैं इसको ख़त्म करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था तो उनके लिए बना रहा हूँ कि उनको समझ आए कि फिल्मोरा 9 हमने कैसे यूज़ करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा दूसरा फ़ोटो ऐसा निकले, ठीक है। ऐसा मेरे पास 178 फिल्मोरा में ऑलरेडी है, 18 हमारे पास है। उसके बाद में 3D में भी है हमारे पास। अगर मैं आपको बता दूँ कि 3D में थ्री डी में मैं कैसे यूज़ करूँ, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ और जैसे मेरे पास ये एक फ़ोटो ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास दूसरी फ़ोटो ऐसा करके आ जाएगी। ऐसा मेरे पास बहुत है। एनीवे पेपर में भी है, स्पीड ब्लर वगैरह ये सब स्टाइल्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, ओके। इसके बाद में मेरे पास जो ऑप्शन आता है वो है इफेक्ट का। जी ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ऑप्शन है इफेक्ट का। मैं ये इफेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, मैं आपको बता दूँ इसमें मेन इफेक्ट क्या है। इसमें मेन इफेक्ट ये है कि फेस आप, जी ये ज़बरदस्त इफेक्ट है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस फ़ोटो का फेस को मैं आप करूँ, मैंने ये इफेक्ट को क्लिक करना है, ठीक है। मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया तो ये इफेक्ट मेरे पास आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट मेरे पास फ़ोटो के ऊपर आए, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके फ़ोटो के ऊपर रखता हूँ। रखने के बाद में मैं आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं ट्रांजेक्शन को ऑफ करूं, ये आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। ये मेरे पास इफेक्ट भी ऑन हो चुका है, तो मैं इसको इस इफेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूं, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं। ये मेरे पास है प्रेस फेस, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको ओके किया, ठीक है। मैंने इसको ओके किया, ये मेरे पास आ गया मेरा इफेक्ट, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अगर मैं ओके करूं, ये मेरा फ़ोटोज़ है और ये मेरा इफेक्ट है, मैं इसको स्टॉप करता हूं, इसमें चेंजेस मुझे करना है, तो मैंने फेस ऐप के ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर क्लिक करके कलर्स है मेरे पास इधर और मोशनस है। एनीवे ये मेरे पास इमेज है लेकिन फ़िलहाल ऑफ है, मैंने इसको फेस ऑफ करना है, तो मेरे पास ये फेस ऑफ हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक दिखा दूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास फेस ऑफ है, कुछ मालूम नहीं होता है कि ये कौन है, ठीक है। मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ, इसके अलग मुख्तलिफ़ किस्म के वो है, तो मैं इसमें डिक्रीज भी कर सकता हूँ। फेस ऑफ वाला ऑप्शन को अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ इसकी इसकी, तो मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रॉप का। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस फ़ोटो को क्रॉप करूँ, तो मैं क्रॉप भी कर सकता हूँ, जी। तो इसके लिए भी वही सेम है, सिंपल है। मैंने इसको उठा के नीचे ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद में मैं अपना फ़ोटोज़ क्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं, मैं यहां से कुछ भी कर सकता हूं। एनीवे मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा, और मैंने इसको क्रॉप भी करना है और फेस ऑफ भी कर सकता हूं। दूसरा यहां पर एक ऑप्शन है, इसको स्टॉप करता हूं फिलहाल। दूसरा मेरे पास एक ऑप्शन है म्यूज़िक का। ये म्यूज़िक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ऑप्शन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि अक्सर वीडियोज़ में ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं व्हाट्सएप की वीडियो बनाऊँ या कोई भी वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड
छुपाना है आप लोगों से, हाइड करना है आप लोगों से, तो मैं ये म्यूज़िक वाला जो ऑप्शन है मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो है, मैं इसको उठाता हूँ सिंपल, और मैं यहाँ पर तो नहीं लेके आ सकता जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद में मैंने यहाँ पर ट्रैक करके डाल सकता हूँ ये वीडियो। मैंने सिंपल यहाँ से ये उठाया और फिल्मोरा में गया, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग किया तो मेरे पास ये वीडियो आ चुकी है। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये मेरी वीडियो आ चुकी है। मैं एक्चुअली आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि म्यूज़िक कैसे यूज़ होता है, तो म्यूज़िक को मैं उठा के यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, अब मैं म्यूज़िक को पूरा जो मेरा वीडियोज़ है वहाँ तक भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मखसूस जगह के लिए मुझे चाहिएगा तो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ तक म्यूज़िक लगाया, मैंने कहाँ पे लगाना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि म्यूज़िक मैंने यहाँ पर लेके आया, मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं जितना मुझे चाहिएगा उतना तक मैं इसको रख के, तो बाकी इंग्लिश वगैरह या जो भी है नेम्स वगैरह वो आप लोगों को नज़र आएगी, लेकिन ये जो मैंने छुपाया है आप लोगों से ये आपको वीडियोज़ में नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने वीडियो को प्ले किया, आप देख सकते हैं कि ये सब आप लोगों से वाइब है और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आपके पास ओपन है। ठीक है, ये था हमारे पास म्यूज़िक, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है फिल्मोरा में, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद में मैं इसका ना अपना मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से ब्लर अमाउंट को भी ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने ब्लर अमाउंट को ज़्यादा किया, अगर मैं थोड़ा करना चाहता हूँ तो जी ये मेरे पास कम हो गया। ठीक है, ओपेसिटी में मैं अगर मैं आऊँ तो देखो ओपेसिटी में बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, यहाँ से मैं अपना ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर ओपेसिटी में कम करूँ तो मेरे पास ये नज़र आएगी सबको। ठीक है, अभी अगर मैं इस ओपेसिटी को ज़्यादा करूँ तो आपके पास कुछ नज़र नहीं आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एनीवे ये मेरे पास था म्यूज़िक का ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आपने इसको वीडियोज़ में ऐड करना है, बिल्कुल ऐसा ही ऐड करना है जैसे मैंने ऐड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भी ये पूरा या सिर्फ ये ईमेल आईडी आपको नज़र ना आए कि मैंने ये ईमेल अकाउंट ओपन किया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने ऊपर लेके आना है और फिर डबल क्लिक करना है इधर, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, मैं इधर से ब्लर अमाउंट को ज़्यादा कर सकता हूँ, आपको नज़र में कुछ नहीं आएगा। जो चीज़ आपको दिखानी है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगा, और मेरा ये जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों से हिडन हो चुका है, मैं इसको और भी ड्राई कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये था मेरे पास म्यूज़िक वाला। अभी ये सेम टू सेम मैं यहाँ पर इमेज मास्क भी यूज़ कर सकता हूँ, और साथ में फेस आप ये जो ऑप्शन है मैं इसको भी ऐसा ड्रैग करके, तो फिर जहाँ पर मेरा फेस आएगा जिसमें मेरा फेस नहीं है एनीवे, तो वहाँ पर आप ये फेस आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इफेक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, और ये फिल्मोरा 9 बच्चों का खेल है। मैंने फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही सिंपल है। एलिमेंट्स में भी क्या करना है कि अगर मैंने किसी वीडियोज़ में ये लव वाला एलिमेंट यूज़ करना है इधर, तो मैं सिंपल इसको उठा के यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये लव वाला जो ऑप्शन है एलिमेंट है ये भी आ जाएगा मेरी वीडियो के ऊपर। तो ये था लव वाला। अभी मैं इसको क्या करूँ कि इसके साथ ना मैं इसको फॉर्मा की से इसका जो वो है मैं इसको कम कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है, मैं इसको ओके किया। यहाँ से मैं क्या करूँ कि मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, ये लव वाला एलिमेंट बड़ा भी कर सकता हूँ जितना भी है, मतलब मैं इसको अपने हिसाब से ब्रेक करके लगा सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको रखा, तो अभी मैं अगर वीडियो को प्ले करूँ तो ये मेरा लव एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको कम करूँ तो आपके पास बहुत ही छोटा मकदार में लव वाला एलिमेंट आएगा। अगर मैं चाहूं कि मैं पूरा वीडियो में इसको यूज़ करूं तो मैं इसको ड्रैग करके यहां तक लेके आऊंगा, जितना भी है एनीवे तो बड़ा हो जाएगा। बाकी दूसरा एक लव वाला अगर ये है मैं इसको ऐड करूं
तो भी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। और मैंने इसको ओके किया, मेरे पास ये लव वाला एलिमेंट ओपन हो गया। ये मैं हमारे पास है एलिमेंट, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। दूसरा इसके बाद में लव वाला एलिमेंट है, जर्नी का है मेरे पास, क्या ज़बरदस्त कमाल की ऑप्शन है। और शेप्स भी है मेरे पास डिफरेंट कलर के, मैं इसको लगा सकता हूँ एलिमेंट मोशन नंबर 6। ये अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसका कुछ ऐसे आएगा शेप्स वगैरह, ठीक है। मैं इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ भी लेके आ सकता हूँ। अच्छा जी, दूसरा मैं आपको बताने वाला था, ये आप देख सकते हैं, देखिए ये मेरे पास आ गए शेप। दूसरा है मेरे पास इधर ट्यूटोरियल का। ट्यूटोरियल में क्या है कि इसमें से अक्सर वो एरो शो करना पड़ता है कि हाँ जी यहाँ पर ओपन करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है वगैरह वगैरह। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट मैंने इसको उठा के यहाँ पर रखा और ये मेरे पास डाउनलोड हो गया और ये काफ़ी एड फ्री है, इसका कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ सबसे पहले, अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी है इसमें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने मीडिया को स्टॉप करना है। जैसे मेरा मीडिया ओपन है तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने मीडिया को स्टॉप करके मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैंने आपको दिखाना है कि जी यहाँ पे क्लिक करना है तो मैंने जस्ट ये उठा के, तो बहुत ही सिंपली मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये एरो निशान आ गया। दूसरा मैं एक ख़ास बात बता दूँ कि यहाँ से मैं इसका ना मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर में आया तो मैं यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ और इसको कंट्रेस्ट वगैरह भी कर सकता हूँ। एनीवे ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ऑप्शन है, कलर यहाँ से चूज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बहुत ही इसमें से ऑप्शन आ चुके हैं। मोशंस में मोशंस इसका डिफरेंट मोशन भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो एनीवे ये था मेरा, मैं यहाँ से ट्यूटोरियल के लिए ये 64 एलिमेंट है मेरे पास, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब मैं स्टॉप करता हूँ इसको और ये सब को मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मैं अपने मीडिया में आता हूँ तो यहाँ तक तकरीबन हो गया, नहीं ट्रांजैक्शन तक हो गया, ठीक है। उसके बाद में इफेक्ट्स था, तो इफेक्ट्स में भी बहुत हम आगे आ चुके हैं। ये ओल्ड फिल्म वगैरह, ये लेंस वगैरह भी है। अच्छा, ये लेंस में मैं बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन इन लोगों ने दिया है। लेंस में मैं आपको बता दूँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम व्लॉगर्स के लिए जो लोग बाहर जाते हैं एडिट करते हैं वीडियो, अक्सर सनलाइट आ जाता है तो उसके लिए ये वाला सिनेमेटिक ये जो ऑप्शन है ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं। मैंने डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर सनलाइट का फ्लश आ जाए तो आप इसको इस ऑप्शन के थ्रू रिमूव हो सकता है, मतलब आंखों पे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, ठीक है ना। दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, एनीवे आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये पेसाप और म्यूज़िक तो मैंने बता दिया, ये इफेक्ट्स में आके यहाँ पर एक ऑप्शन है यूटिलिटी में आना है आपने, तो आप यहाँ से म्यूज़िक और पेसाप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये एलिमेंट्स है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये लव वाला एलिमेंट्स है। और बेजेस है, मैं बेजेस भी यहाँ पर लगा सकता हूँ, पॉपुलर वगैरह जो भी है। वेब वाला बेजेस, अगर मैं लाइक वाला मैं बता दूँ कि मैं इसको ड्रैग करके तो मैं यहाँ पर लेके आऊँगा सिंपल। और मेरे पास मेरी वीडियो में, जैसे मैं वीडियो को ऑन करूँगा तो मेरे पास ये लाइक वाला मैं लगा सकता हूँ। इसको सीधा करने के लिए सबसे पहले मैंने मीडिया को ऑफ करना है और फिर मैंने इसको सिंपल ड्रैग करना है। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर आ जाए तो मैं यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ और मैं अपने वीडियो में लाइक वाला डाल सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने नीचे वीडियो रखा और इसके ऊपर लाइक वाला ऑप्शन है, तो मैंने सिंपल इसको ओके किया तो ये देखिए ये लाइक वाला ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। ये मेरे पास एलिमेंट्स से आ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, मैं इसको लगा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिट से, तो फिट भी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर, ये देखिए कितने ज़बरदस्त एलिमेंट हैं, तो मैं इसको लगा सकता हूँ। और इमोजी वगैरह भी मैं इमेज के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ एलिमेंट से, ठीक है।
तो ये थी बेसिक, और मैं अभी आपको बता दूँ कि मैंने वीडियो को एडिटिंग करना है कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।